हेलो एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल क्रिएशन विद भारती। आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और मैं जस्ट सिवनी आई थी किसी काम से और रैंडमली सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। कुछ चीजें कैंसिल हुई हैं, मैं दीदी के घर जाने वाली थी, फिर दीदी को गाँव जाना पड़ा, सो मैं भी मेरी फ्रेंड के घर आई हुई हूँ। और अभी उसको बिल्कुल भी नहीं पता है कि मैं उसके घर आई हुई हूँ। वो भी कल ही आई हुई है इंदौर से उसके घर पे। एंड चलो चलते हैं, देखते हैं कि वो क्या कर रही है और फिर उसके साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। सो लेट्स सी वो घर पे होगी भी कि नहीं, देखते हैं। गाइस, उसके घर जाते हुए आई डोंट नो वो है कि नहीं या कहीं गई तो नहीं है। वंदना हाय गाइस, इनका मेकअप चल रहा है एंड मैं भूत बनी हुई आई हुई हूँ। ठीक है गाइस, थोड़ी देर बाद मिलते हैं, जरा उसको लीव हो जाने दो। मेरी हार्ट बीट तेज हो गई शायद कुछ और। सो अभी वंदना रेडी हो रही है एंड रैंडमली प्लान बना है कि मेरा तो ऑलरेडी बहुत अलग ही प्लान था कि हम लोग दीदी के यहाँ जाते, वीडियो शूट करते। मेरी दो तीन वीडियो शूट करना था, दीदी की भी शूट करना था, सब प्लान कैंसिल हो गया और दीदी गांव चली गई हैं। सो मैं वंदना के यहाँ पे आ गई थी। देन अब वंदना मेरे और मेरे कुछ फ्रेंड का प्लान बना है कि चलो चाय पीने चलते हैं टी फैक्ट्री पे। रैंडमली प्लान बना है एंड अच्छा लग रहा है कि कुछ प्लान कैंसिल होते हैं इसलिए क्योंकि और अच्छा प्लान बन जाता है। सो ओके, बहुत दिनों के बाद मैं इन सभी लोगों से मिल रही हूँ। और आप लोगों को जो अभी कॉलेज में होंगे उन लोगों को तो लिटरली पता होगा कि स्कूल फ्रेंड से मिलने की जो खुशी होती है। है मुझे भारती के लिए चले वरना मेहंदी दिखाना। आज मेहंदी लगाएगी वरना यदि टाइम मिला तो, पक्का डन। चलो ऐसी जाएगी गाइस, वो कुछ बोल नहीं पा रही, आप समझ रहे हो, सावधान रहें, सतर्क रहें। ऐसी वंदना के घर आई, यहाँ से इंटर हुई, सोफे पर बैठी हूँ एंड मेरी नजर यहाँ गई। ये इनकी उसमें लिखा भी है लव फैमिली, और फैमिली देख रहे हो आप लोग, सब फॉरेन की है। तो वंदना आप कैसे यहाँ आए? भाई वो 2 साल पुरानी है, उसको हम सोच रहे कि अब उसमें फोटो लगाएंगे, लेकिन उसका मुहूर्त ही नहीं अबर रहा है। शायद उन लोगों को तुम्हारा घर अच्छा लगे और तुमको वो लोग अच्छे लग गए। बस डाल दो 99 का। गाइस ये भैया से पूछ रहे कि कितने का डलवाएं। हे वंदना बहुत जरूरी है ना हर जगह फोटो। हाँ अपन डलवाओ, अपने भाई लोग घूम रहे हैं, वरना हाथ फूल जाएगा। ओके, शर्म नहीं आई अपने भैया से पूछा कि भैया कितने का डलवाऊं? बहन क्या बोलूं यार, गाइस मेरी बहन का इस कुछ अचार चाणक। भाई 1 लीटर कितने का हो रहा है अभी? अच्छा तो वो एकदम से निकल गया कि भाई कितने। भाई बोलते हाँ मैं ही तो चला रहा हूँ दीदी। चाइल्ड केयर अकेडमी और हमारी पुरानी दोस्त के साथ एक और पुराने दोस्त को लेते जाते हुए और हमारी बहन वंदना दीदी धचके पे धचके खिलाते हुए। बेटा उसमें ही मजा है। हाँ, धचके में ही मजा है। यस गाइस, चेतन ले रहा है कपड़े, आई थिंक मुझे ऐसा, हाँ यहीं बता दे, मुझे ऐसा लग रहा है उसकी दीदी दिलवा रही है, लेकिन चलते हैं अंदर और मजा आएगा। यही लगा रहे यहाँ से निकलेगा। रथ का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। अच्छा लग रहा है, ये ले ले।
लग रही है? अच्छी लग रही है। चलो वो दीदी लोग ऊपर गई, उन्होंने बोला चले जाना। Hey guys, after a very long time, चले चलो चल। फिर फ्रेंड्स वहाँ से हम लोग सभी लोग टी फैक्ट्री आ गए थे, और भी दो तीन फ्रेंड्स आने वाले थे लेकिन सबका कैंसिल हो गया था। तो हमने सोचा जितने हैं उतने ही मिलके बैठ जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड स्कूल फ्रेंड लोगों के साथ बैठ के बात करने में आधा जिंदगी का जंजाल खत्म हो जाता है फ्रेंड्स, आई स्वेयर। बट बहुत मज़ा आया। बेस्ट फ्रेंड से बिलिंग करवाते हुए, और हम लोग उसको यही उम्मीद दे रहे हैं कि हम बाद में तुझे कर देंगे। बाय बाय टाटा, नहीं गुड बाय। चले गया ब्लॉग। गई जी वंदना है ना, आज हम लोग फुल्की खाने गए। क्या तो भाई याद फुल्की थी, जहाँ की मैंने आपको बताई थी ना, मैं बताऊंगी नहीं। हटाइए वंदना, बहुत खराब जी। तो अब हम लोग थोड़ा मार्केट के लिए निकल रहे हैं, और ये वंदना वंदना और वंदना की सिस्टर अर्चना मुझे छोड़ने के लिए जा रही हैं। यहाँ तक मेरे कज़न आ रहे हैं, क्योंकि हमारी स्कूटी हो चुकी है डिस्चार्ज। तो गाइज मैं एक ही सजेशन देती हूँ, यदि कभी आप स्कूटी लो तो पेट्रोल वाली ही लेना। फिर यहाँ पे राखी की शॉपिंग करने के लिए डब्बू भैया आज आए थे उनके कपड़े लेने के लिए, तो हम लोग भी आ गए थे। एंड रिया और हम लोग सेलेक्ट करवा रहे थे भैया के लिए कपड़े, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात हुई कि भैया ने उल्टी टी शर्ट पहन के आ गए। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के पुरुल बुली बैठ हो गई हुआ है भाई। आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत मजा आया कल तो। एकदम जो प्लान बना ही नहीं था वो प्लान भी सक्सेस हो गया, जो प्लान था वो कैंसिल हो गया। बहुत सारे प्लान कैंसिल होते हैं इसलिए क्योंकि बहुत अच्छे प्लान आपका वेट कर रहे होते हैं। वैसे जिंदगी भी होती है कि बहुत सारी चीजें इसलिए जाती हैं कि और भी अच्छी चीज आपकी लाइफ में आना होता है। ये मैं आई डोंट नो मैं ये क्यों बोल रही हूँ, बट ये ऑफकोर्स ये होता है। सो यदि कुछ चीज आपको नहीं मिल रही है तो उसका भी एक अलग ही मैजिक, एकदम अलग ही लॉजिक है। सो विश्वास रखें भगवान के प्लान पर, खुद के प्लान पे तो कभी विश्वास मत ही करना, मैं तो ये बोलती हूँ। क्योंकि हमारा प्लान बस इतना सा रहेगा, और ऊपर वाले का प्लान तो बहुत ही कुछ अच्छा होने वाला होता है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। एंड हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आप मेरा रक्षाबंधन वाला ब्लॉग देखना चाहते हो। यदि चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में यस लिखें। बाय बाय।